आजकल स्मार्ट वेरिएबल्स को अलग अलग फॉर्म फैक्टर में लेके आने का बहुत ज्यादा ट्राई किया जा रहा है। पहले दोस्तों स्मार्ट वॉचेस आई, फिर अब ये स्मार्ट रिंग्स का नया ट्रेंड चालू हुआ है। मेरे पास आई है ये पाई रिंग की तरफ से, पाई रिंग। अब हालांकि प्रोडक्ट आया है ये ब्रांड की तरफ से, लेकिन व्यूज मेरे एकदम ऑनेस्ट रहने वाले हैं, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्ट रिंग क्या एक प्रैक्टिकल चॉइस है और कितनी हद तक ये स्मार्ट वॉचेस को टक्कर दे सकती है और क्या ये उनको रिप्लेस भी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो मटेरियल जो यहाँ पर यूज करा गया है वो स्टेनलेस स्टील का यूज करा गया है इस प्रोडक्ट में। IPX8 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब है कि आप इसको पानी में लेके जा सकते हो up to 30 minutes। तो मतलब स्विमिंग वगैरह करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो इस रिंग को पहनकर। वेट की बात करूं तो रिंग का वेट बहुत ज्यादा नहीं है, काफी लाइट वेट रिंग फील होती है, लेकिन हाथ में उठाने पे उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती है जितनी आई गेस लगनी चाहिए प्राइस के हिसाब से। प्राइस की बात करेंगे आगे जाके वीडियो में कि अगर आप खरीदना चाहो तो कितने की पड़ जाएगी आपको ये रिंग। बाकी ये व्हाइट कलर के अलावा इसमें ब्लैक कलर का ऑप्शन और एक गोल्डन कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो क्या क्या कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाथ में पहनने के बाद ये रिंग कुछ इस तरीके से नजर में आ जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन जब भी आप इस रिंग को अपने हाथ में उठाओगे तो ये फील होगा कि थोड़ी सी बल्की रिंग है, और थोड़ी अगर पतली ज्यादा होती तो और बेटर लगती। और अगर आपने आज से पहले रिंग्स बिल्कुल भी नहीं पहनी है तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। स्मार्ट रिंग्स को लेकर ना रिंग साइज एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक रहता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हर किसी का रिंग का साइज अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पास वाले लोकल ज्वेलर के पास जाना है और उससे अपनी उंगली का जिसमें भी आप पहनना चाहते हो उसका रिंग साइज उनसे पूछ लेना है, और फिर ये जब आप सिलेक्ट कर रहे होगे प्रोडक्ट तो आपको पाई रिंग वालों को बता देना है ताकि वो आपको आपके रिंग साइज के हिसाब से ही अंगूठी भेजे, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। अभी रिंग आ जाती है तो रिंग को कनेक्ट करने में जो फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो भी उतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं था मेरे एक्सपीरियंस में। मेरी बात हुई थी ब्रांड वालों से और वो इसको स्मूथ करने का और ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू में ये रिंग मुझे एंड्रॉइड की ऐप पर दिख नहीं रही थी जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था। तो लेकिन फिर कस्टमर सपोर्ट वाले से बात करने के बाद उन्होंने ये इशू आराम से रिजॉल्व कर दिया था, तो फिर मैं उसके बाद एक्सेस कर पा रहा। ये रिंग आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉइड और iOS पे मिल जाएगी, तो वहां से आप इनका ऐप इंस्टॉल करके कनेक्ट कर सकते हो। फीचर्स के लिए दोस्तों ये वाला जो वेरियंट है ये हार्ट रेट मेजर कर लेता है, SpO2 मेजर कर लेता है, स्टेप्स मेजर कर लेता है, कैलोरीज मेजर कर लेता है, और साथ में स्किन टेम्परेचर भी मेजर कर लेता है। एक बार जब ये रिंग कनेक्ट हो जाती है तो टाइम टू टाइम ये रेड ऐसे ब्लिंक करके आपकी रीडिंग्स लेती रहेगी। अब स्मार्ट वॉच में तो कैसा रहता है कि आप ये सभी फीचर्स वॉच के स्क्रीन पर ही चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको वो करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको ऐप के थ्रू ही जाके चेक करना पड़ेगा जो भी आपके स्टैट्स निकल के आ रहे हैं। अब फीचर्स की एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी थोड़ा काम बाकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टेप्स स्पेशली काफी ज्यादा ऑफ रहते हैं रीडिंग के मामले में। अगर आप इस रिंग को पकड़ के अपना हाथ इस तरीके से घुमाओगे तो भी वो उसको स्टेप की तरह काउंट कर लेता है और आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका टोटल स्टेप्स और टोटल डिस्टेंस जो आपने चला है एक दिन में वो बहुत ज्यादा नजर में आता है। हार्ट रेट और SpO2 की रीडिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन स्टेप्स जितनी गड़बड़ नहीं है। स्किन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो भी जनरली थोड़ा लो ही दिखाता है, मेरे केस में लगभग 30 डिग्रीज के आसपास दिखाता था स्किन टेम्परेचर। अब वैसे तो ये ब्रांड क्लेम नहीं कर रहा है कि इनके प्रोडक्ट क्लिनिकली वैलिडेटेड है या मेडिकल ग्रेड अप्रूव्ड है। इन फीचर्स में आई थिंक अभी थोड़ा और काम बाकी है अगर आप इनको एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो बैटरी की अगर बात की जाए तो मेरी टेस्टिंग में एक चार्ज करने के बाद ये रिंग लगभग 1.5 से 2 दिन तक चल जाती है। उसके बाद आपको इसको चार्ज करने के लिए केबल प्रोवाइड करी जाती है साथ में। इसका एक सेपरेट डॉक भी आता है जिसमें आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो जैसे हम TWS वगैरह केस में करते हैं, लेकिन वो डॉक अलग से एक पेड एक्सेसरी है तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। एक चीज जो मुझे बात करते हुए पता चला कि इसकी जो केबल है वो आराम से आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगी, तो प्लीज ध्यान रखना कि वो केबल खो ना जाए। बट अगर कभी केबल खो जाती है तो ये लोग सपोर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको एक स्पेयर केबल अरेंज करवा देंगे। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये रिंग आपको रफली 5000 के आसपास पड़ेगी अगर आप खरीदना चाहो तो। इनकी वेबसाइट पे लगभग 750 रुपए का डिस्काउंट आजकल चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपका लेने का मन करता है तो। वारंटी यहां पर आपको इसमें 1 साल की देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूं कि क्या ये रिंग आपको लेनी चाहिए और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, तो ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं जिनको ये नया यूनिक सा प्रोडक्ट ट्राई करना है, क्योंकि मुझे लगता है स्मार्ट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तगड़ा है एक रिंग के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन आज के डेट में अगर आप वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देखोगे, प्राइस चेक करोगे, तो उस हिसाब से ये ऑफरिंग उतनी ज्यादा यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी बढ़िया नहीं बन के आ रही है। और क्योंकि 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट में स्मार्ट वॉचेस जो है वो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस ऑफर कर देंगी आज के डेट में। बाकी आगे आने वाले समय में रिंग्स का यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा वैल्यू एड होता है, उसके लिए आप मेरे चैनल बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ये सब न्यूज आपको शेयर करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।